उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए के लिए राज्य स्थापना दिवस तक इंतजार करना पड़ सकता है। 9 नवंबर के आसपास डीए जारी होने की संभावना अब जताई जा रही है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों को दिवाली बोनस और 4% डीए देने की सहमति बनी थी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इन दोनों प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस की सौगात दे दी थी। डीए की मुराद अब तक पूरी नहीं हो पाई है। प्रस्ताव की फाइल मुख्यमंत्री धामी के पास है। महंगाई भत्ते के भुगतान से राजकोष पर सालाना 576 करोड़ रुपए खर्च बढ़ने की संभावना है। वित्त विभाग धनराशि की व्यवस्था कर रहा है और माना जा रहा है कि नजदीक आ रहे राज्य स्थापना दिवस तक डीए टल सकता है। मुख्यमंत्री स्थापना दिवस के अवसर पर डीए की सौगात दे सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से मुकाबले के लिए भत्ता देती है। इसी को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कहते हैं। केंद्र सरकार जुलाई और जनवरी में इसकी समीक्षा करती है। डीए इस बात पर भी निर्भर करता है कि कर्मचारी किस क्षेत्र में काम करता है, यानी शहरी क्षेत्र, लघु शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का डीए अलग अलग होता है।